चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिला कांग्रेस का समर्थन, कहा जहां मुसलमानों की आबादी है वहां खोलेंगे सराई अदालत। मुस्लिम संगठन बोले इस्लामी कानून में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत छोड़ो और मणिपुर जोड़ो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जारी किया अपनी यात्रा का एक वीडियो, बोले शांति ही एकमात्र रास्ता, बीजेपी देश का माहौल खराब कर रही। 14 जुलाई को दोपहर 2:30 पर लॉन्च होगा चंद्रयान 3, इसरो का ऐलान, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर फोकस, चांद पर भारत रचेगा इतिहास। यूपी में सड़कों पर नमाज अब बीती बात, धर्म स्थलों के लाउड स्पीकर भी हटे, सीएम योगी बोले अब सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा नहीं केवल आवागमन होता है। और ट्विटर के मालिक एलन मस्क की हेकड़ी होगी कम, फेसबुक इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भारत समेत 100 देशों में लॉन्च किया थ्रेडर्स ऐप, ट्विटर को देगा टक्कर। अब सुप्रीम कोर्ट में होगी मोदी सरकार और केजरीवाल की जंग, अध्यादेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर सोमवार 10 जुलाई को होगी सुनवाई। CISF को सौंपी जाएगी राम जन्मभूमि की सुरक्षा, नई योजना को मिली मंजूरी, फुल प्रूफ मास्टर प्लान हुआ तैयार, जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आएंगे पीएम मोदी। चीन की एक और बड़ी हिमाकत, पूर्वी लद्दाख में LAC के पास तैनात किए जासूसी ड्रोन, भारतीय खुफिया एजेंसियां भी ड्रैगन की हर गतिविधियों पर रख रही नजर। मध्य प्रदेश के सीधी में जिस आदिवासी पर बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला ने किया था पेशाब, सीएम शिवराज सिंह ने धोई पीड़ित दशमत रावत के पैर, बोले मेरा मन बहुत दुखी, आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर चलाया बुलडोजर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार का बड़ा कदम, केंद्रीय मंत्रियों के एक ग्रुप GOM का किया गठन, 4 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। यूपी के प्रयागराज में दहेज उत्पीड़न मामले में अब PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य से पूछताछ करेगी पुलिस, मांगे अन्य सबूत। मणिपुर में पिछले 2 महीने से जारी हिंसा के बीच दंगाइयों ने सुरक्षा कर्मी का घर फूका, सरकार ने इंटरनेट बैन पर लगी रोक 10 जुलाई तक बढ़ाई। पठान का जलवा जापान में भी करेगा धमाल, शाहरुख खान की फिल्म 1 सितंबर 2023 को जापान के सिनेमा घरों में होगी रिलीज। पहले 5 दिनों में 67,000 श्रद्धालु पहुंचे अमरनाथ, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में भक्त कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की भरपूर निगरानी। श्रीनगर में राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होने पर 14 लोग गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भेजा जेल, कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे मौजूद। देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत का महंगा सफर, जल्द हो सकता है सस्ता, 30% तक किराया घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। बीजेपी ने निकाला लोकसभा चुनाव 2024 जीतने का फॉर्मूला, 142 लोकसभा सीटों को साधने के लिए 12 राज्यों के नेताओं के साथ जेपी नड्डा ने की हाई लेवल बैठक। मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, मणिपुर हिंसा को लेकर संसदीय समिति की मीटिंग से विपक्ष ने किया वॉकआउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और गोरखपुर के दौरे पर, 3 वंदे भारत ट्रेन समेत 498 करोड़ की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। देश में जल्द लागू हो सम्मान नागरिक संहिता, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन बोले हिंदू राष्ट्र का UCC से संबंध, लेकिन प्रगति के लिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता नहीं। लोरेंस विश्नोई गैंग पर कसता जा रहा जांच, एजेंसियों का शिकंजा, इंटरपोल ने 2 गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी। राजस्थान में सीएम फेस के बिना आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी में बैठक में 4 फैसलों पर बनी सहमति। 13 जुलाई को फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी, परंतु पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले राष्ट्रपति मैक्रों के सलाहकार आएंगे भारत, अजीत डोभाल के साथ तय होगी रणनीति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायक और सांसदों को दिया भरोसा, बोले नहीं दूंगा इस्तीफा, 2024 में भी मैं ही रहूंगा सीएम। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 339 अंकों की तेजी के साथ 65,785 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 4 अंकों की बढ़त के साथ 19,497 पर बंद हुआ। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पार्टी के 5 नेता अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से लेकर हरियाणा के नूह तक बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, 10,000 एकड़ में होगी तैयार, खट्टर सरकार ने बनाई योजना।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ कटप्पा बोले पोस्टर, एनसीपी नेता शरद पवार को बताया बाहुबली। कई और केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में भेजने की तैयारी में भाजपा, मध्य प्रदेश सहित 6 और राज्यों के बदलेंगे प्रदेश अध्यक्ष। चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, सुखबीर बादल की पार्टी एनडीए में होगी शामिल, बीजेपी ने गठबंधन की 18 जुलाई को बुलाई बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत निभा सकता है अहम रोल, क्यू में अमेरिकी राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक का बड़ा बयान। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का कहीं भी उपयोग कर सकेंगे ग्राहक, भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम से रुपे कार्ड को मिलेगा बढ़ावा। बिना पत्नी वाला प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर बोले लालू यादव। भाजपा का ध्यान मणिपुर से ज्यादा महाराष्ट्र में, जोड़ तोड़ पर वाम दल के सांसद करेंगे मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। भारत आबाद, पाक बर्बाद, अडानी की सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तानी शेयर बाजार के बराबर। आने वाले दिनों में आम लोगों को महंगाई से नहीं मिलेगी राहत, वित्त मंत्रालय ने हीट वेव और बढ़ती गर्मी जैसे जियोग्राफिकल प्रभाव को ठहराया जिम्मेदार। बच्चों और किशोरों में कोविड-19 ने बढ़ाया डायबिटीज का खतरा, कनाडा स्थित टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने स्टडी में किया खुलासा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान, बोले सीए जैसा माहौल बनाने की हो रही कोशिश। शरद पवार की उम्र को लेकर अजीत ने कसा तंज, तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने किया पलटवार, बोले राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। अमेरिकी टीचर्स ने देखा दिल्ली की केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल, हैप्पीनेस और ईएमसी क्लास में लिया हिस्सा। सावन के महीने में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगा विशेष इंतजाम, यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 120 अतिरिक्त बसें चलाने के दिए निर्देश। एमपी में आदिवासियों के बाद अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने में लगी बीजेपी, राज्य के 53,000 गाँव में पहुँचेगी संत रविदास यात्रा। कर्नाटक में चोरी का एक अजब मामला आया सामने, महिला किसान के खेत से लाखों रुपए के टमाटर उड़ा ले गए चोर, बची हुई फसल भी नष्ट की, एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में होगा 7,500 रुपए का फायदा, रिटायरमेंट पर 3 लाख से 10 लाख तक की ग्रेच्युटी भी मिलेगी, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। पीएम मोदी 26 जनवरी तक देश को देंगे बताते बीजेपी प्रत्याशी शिखा राय ने अपना नाम वापस ले लिया था। इसी के साथ डिप्टी मेयर पद भी आपके पास हो गया है, अब मेरे पास दिल्ली के डिप्टी मेयर बने हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने की बैठक, केसी वेणुगोपाल बोले कांग्रेस ट्रेंड को पलटेगी और राज्य में फिर से बनाएगी सरकार।